बलिया जिले में महिला पुलिस ने मानदेय राशि न मिलने को लेकर पुलिस स्वयं सेविकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल महिला पुलिस को 1500 रुपए मानदेय राशि और ड्रेस देने का वादा किया गया था, जो कि उन्हें नहीं दिया गया। पुलिस सेविकाओं का कहना है कि हमें बाजार से ड्रेस खरीदने को कहा गया है, साथ ही हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें नौकरी सुरक्षित महसूस नहीं हो रही। फिलहाल महिला पुलिस संघ सेविकाओं ने ज्ञापन सौंप कर परेशानियां दूर करने की गुहार लगाई। पहले पेमेंट भी नहीं मिला था, उसके लिए हम लोग लड़ाई किया, तो अभी लड़ी तो अभी हम लोग को 13-13 हज़ार सभी एमपीबीओं को दिया गया है। उसके बाद जो 1500 का बात किया गया था, तो वो 1500 500 हम लोग का हमारे मानदेय से गायब जी। बात तो हुई थी, एक बार हम लोग वहाँ गए थे रिपोर्ट जमा करने, तो सर भी बोले थे कि हो जाएगा, धीरे करते रहो, अपने मैडम से बोलो, उन लोग आपको करेंगे। कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे वहाँ, तो हम लोग वहाँ जाके बोले सर से, तो सर बोले कि हम लोग इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, अभी कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यही होते होते हम लोग बहुत वेट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ भी सुनाई नहीं हुआ।